हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डॉलर मार्केट में आपका स्वागत है। फ्लेशनी डिजिटल मार्केटर आज हम आ गए लीडिंग माइटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में। लेसन 27, व्हाट इज कैंपेन ग्रुप एंड लिंक्डइन एड्स, यानी कि लिंक्डइन विज्ञापन में कैंपेन ग्रुप क्या है, आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जैसे कि हमने बात करी थी कि किस प्रकार से हम लिंक्डइन अकाउंट पर एक अपना कैंपेन मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, देन इसी के साथ यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर में लिंक्डइन विज्ञापन में कैंपेन ग्रुप होता क्या है, आज इसके बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर में कैंपेन ग्रुप कैसे काम करता है और ये किस लिए होता है, देन इसी के साथ हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले कि किस प्रकार से अपना कैंपेन ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, कम्प्लीटली समझ सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्टली हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कैंपेन ग्रुप इन लिंक्डइन, यानी कि आखिर में कैंपेन ग्रुप क्या है लिंक्डइन में, तो इसके बारे में समझते हैं। लिंक्डइन ग्रुप में अगर बात करें तो कैंपेन ग्रुप वो चीज है जो प्रोवाइड करवाता है हमें एडवर्टाइजिंग को, एक वे है जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, बजट से लेके परफॉर्मेंस से लेकर और मल्टीपल रिलेटेड कैंपेन्स हम उधर पे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हर एक चीज हमें प्रोवाइड की जाती है कैंपेन्स ग्रुप के द्वारा। देन इसी के साथ ही जब भी हमारा अकाउंट हम क्रिएट करते हैं और न्यू कैंपेन ग्रुप में हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगता है, ये कैंपेन ग्रुप होता है जो पूरी तरीके से कंटेन अ वैरायटी ऑफ कैंपेन के टाइप्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे वैरायटीज ऑफ कैंपेन हमें यहाँ पे मिलने लगते हैं। एक ही कैंपेन ग्रुप में हम बहुत से कैंपेन बना सकते हैं। तो लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग में जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैंपेन ग्रुप होता है क्या है लिंक्डइन में। देन इसी के साथ हम समझ जाते हैं कि कैंपेन ग्रुप इस तरह से काम करता है, इस तरह से कैसे हम क्रिएट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे हमारे कैंपेन को। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कैंपेन जो होता है डिफाइन किए जाते हैं एड शेड्यूलिंग के हिसाब से, आपके टोटल बजट किस प्रकार का है। कैंपेन जो होती है पूरी तरीके से स्पेसिफाइड डेट पर आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड डेट पर रख सकते हो और रन कंटिन्यूसली कर सकते हो जब तक आप अपने बजट को स्पेंड करना चाहते हो। देन इसी के साथ अगर आपको उसे अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो कैंपेन हमें टारगेटेड और स्पेसिफिक सिलेक्शन मेंबर्स करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। साथ साथ टारगेट ऑडियंस तक हमारी कैटेगरी जैसे जॉब टाइटल, जॉब फंक्शन और सीनियरिटीज, इन सभी के जैसे रिलेटेड हम इजिली तरीके से एक टारगेट ऑडियंस को कम्प्लीटली यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, एक बढ़िया तरीके से स्पेसिफिक एड उन्हें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और कम्प्लीटली हमारे कैंपेन को क्रिएट कर पाएंगे। देन इसी के साथ यहाँ पे बात आती है कि किस प्रकार से कैंपेन ग्रुप के अपने खुद के लिमिटेशन होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अगर एड अकाउंट की हम बात करें, एडवर्टाइजिंग अकाउंट हम कैंपेन ग्रुप में चला रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या एक कैंपेन ग्रुप में हम 5000 तक कैंपेन लगा सकते हैं, यानी कि रिगार्डलेस होता है हमारे कैंपेन स्टेटस के लिए। देन इसी के साथ अगर मैक्सिमम 1000 कॉन्करेंट हमारे कैंपेन एक्टिव हैं तो स्टेटस एनी टाइम हम इसे देख सकते हैं, यानी 1000 तक हम एक्टिव कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ कैंपेन की बात करते हैं कि आखिर में कैंपेन की क्या लिमिटेशन है। जैसे कि हमने एडवर्टाइजिंग अकाउंट की बात करी कि इसमें लिमिटेड जो है एक कैंपेन ग्रुप में आप इजिली तरीके से 5000 कैंपेन्स लगा सकते हो। देन इसी के साथ मैक्सिमम अगर आप 1000 ज्यादा करेंट एक्टिव कैंपेन आप चला रहे हो स्टेटस में तो एनी टाइम आप चला सकते हो और देख सकते हो। देन इसी के साथ कैंपेन की बात करें तो कैंपेन में मैक्सिमम 15 एक्टिव क्रिएटिव्स होते हैं और 85 इनएक्टिव क्रिएटिव्स होते हैं। देन इसी के साथ ही एक्टिव जो होती है वो पूरी तरीके से रिचेस करती है जिस टाइम पर आपने उसे डिलीट किया है। देन इसी के साथ ही आप इसी तब चाहे जब इसे रोक सकते हैं, ये कभी भी रुक सकती है, आप एक्टिव कर सकते हो और साथ साथ ये डिजनरेटेड होता है पूरे एंड टाइम्स में। आप इसे कैंपेन मैनेजर्स में इजिली तरीके से डायनामिक क्राउजल वीडियो एडवर्टाइजिंग कैंपेन ये पूरे फॉर्मेट इस ड्यूरिंग कैंपेन में क्रिएशन कर सकते हो। देन इसी के साथ हमारा कैंपेन के लिमिटेशन के बाद हमने समझा क्रिएटिव क्या होता है। अब क्रिएटिव को समझते हैं तो क्रिएटिव का मतलब यही होता है कि आप इजिली तरीके से एड फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो और एक कैंपेन को क्रिएट करने के लिए समझ सकते हो कि आपका कौन सा एड फॉर्मेट है, आप जिस तरीके से सेट कर पाओगे और आपका जो फर्स्ट क्रिएटिव क्रिएटेड एड होगा वो कैंपेन में ही आएगा। तो इसलिए तरीके से हम यहाँ पर अपने कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ स्टेप के बारे में और स्टेप जो हमें फॉलो करनी चाहिए कैंपेन ग्रुप में, वो भी लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि साइन इन कैंपेन मैनेजर। फर्स्टली हमें कैंपेन मैनेजर में साइन इन करना होगा जो हमने इससे पहले के लेसन में बात की थी। देन इसी के साथ ही हमें फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या करना है, हमारे अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, अकाउंट नेम चेंजेस कर सकते हैं और साथ ही साथ पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पेज पर हमें सही तरीके से कैंपेन ग्रुप में एडवर्टाइजिंग करनी है और साथ ही साथ अपने अकाउंट नेम को हम चेंजेस कर सकते हैं। देन इसी के साथ ही हम अपने कैंपेन ग्रुप
ग्रुप्स को टैग करके क्लिक करके इजीली तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ नया एम कैंपेन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन इसी के साथ अपने ग्रुप नेम को चेंजेस करके विजिबल कर सकते हैं, सिर्फ उसी को ही दिखाई देगा जो कैंपेन मैनेजर का एडमिन है, वो ही सिर्फ कैंपेन ग्रुप का नेम देख पाएगा। देन इसी के साथ और भी स्टेप होती है जिसे हम फॉलो करना चाहिए था, हमें चूज करना होगा किस प्रकार से हम ड्रॉप डाउन स्टेटस कर रहे हैं। अगर हम एक्टिव कैंपेन अगर स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा कैंपेन जो स्टार्ट हो चुका है डिस्प्ले कर सकता है, इंप्रेशन इमीडिएटली लेकर आ सकता है। डिपेंडिंग करता है आपकी किस प्रकार की कैंपेन की डेट है और साथ ही साथ किस प्रकार का आपने कैंपेन ग्रुप में एडवर्टाइजिंग चला रहे हो। देन इसी के साथ अगर आप अपना ग्रुप पूरा तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर लेते हो, देन इसी के साथ कैंपेन क्रिएट करने के बाद आप उसे एक्टिव की जगह ड्राफ्ट में डाल देते हो, इसका मतलब ये होता है कि कैंपेन के ग्रुप जो है वो ड्राफ्ट में हो चुके हैं, आपके डिस्प्ले पर इंप्रेशन नहीं आएगा। साथ ही साथ कैंपेन ग्रुप जो होगा वो जब उसे एक्टिव करोगे तभी वो सही तरीके से एक्टिव हो पाएगा। देन इसी के साथ सिक्स स्टेप होती है चूज अ शेड्यूल और बजट ऑप्शन। आप अपना कैंपेन ग्रुप को इजीली तरीके से शेड्यूलिंग कर सकते हो और बजट ऑप्शन में लेके आ सकते हो, जिसमें आप रेंट कंटिन्यूसली लगा सकते हो स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक। देन इसी के साथ ही आप स्टार्ट डेट से एंड डेट तक अपने बजट को भी लगा सकते हो कि आप किस बजट से किस बजट तक कितना खर्च करना है, किस डेट से किस डेट तक। देन इसी के साथ ही आपको सब चीजें सेव करनी है और आपका यहाँ पर लिंक्डइन पर कैंपेन ग्रुप अकाउंट पूरी तरीके से क्रिएट हो जाता है। चलिए अब इन सभी को पूरी चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए लिंक्डइन अकाउंट पर, यहाँ पर हमें यूजर आईडी पासवर्ड के साथ साइन इन होना होता है। दिन इसके बाद हम अपने लिंक्डइन अकाउंट पर पहुंच जाते हैं। इस डेस्कटॉप पे मैं आपको इसी तरीके से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपना कैंपेन ग्रुप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के लिए। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी चीजें शो होती हैं, जैसे कि हमारा पेज आपको दिख रहा होगा, हमारी प्रोफाइल। देन इसी के साथ ही आप देखोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडवर्टाइज। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करते हैं किस प्रकार से हम कैंपेन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन में, लिंक्डइन मैनेजर अकाउंट में। देन इसी के साथ जब हम इस तरह चीजें पूरी फिल कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर एडवर्टाइज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वर्क पे जा सकते हो और इजिली तरीके से आपको यहाँ पे भी एडवर्टाइज का ऑप्शन मिल जाता है जो हमें यहाँ पर बाहर दिया गया है। तो चलिए हम एडवर्टाइज पर टैप करते हैं और इसी के साथ समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे अपने कैंपेन मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करनी होगी और किस प्रकार से हमारे डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें, परफॉर्मेंस चार्ट से लेकर हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम कैंपेन मैनेजर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिटेल अकाउंट लिस्ट दी गई है। देन हमारे अकाउंट के बारे में लिस्ट दी गई और हमने एक अकाउंट क्रिएट करा था, ये हमारी आईडी रही। देन इसी के साथ माई कंपनी, हमारी करेंट डेट, इन सब चीजें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे शो हो रही हैं। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमने एक जो अकाउंट क्रिएट करा था वो एक अकाउंट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, बट यहाँ पर अभी कुछ अकाउंट या हमारी एडवर्टाइजिंग कुछ भी चीजें शो नहीं हो रही क्योंकि ये पूरा न्यू अकाउंट है। तो हम चलिए इसके बारे में समझते हैं। हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, हमारे ऑप्शन में होता है। देन हम चाहेंगे इस तरीके से इसको डिलीट करके नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रिएट के ऑप्शन में भी हमें यहाँ पे सिर्फ अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। बट हम चलते हैं वापस कैंपेन मैनेजर में। अगर हम कैंपेन मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर फिल करनी होगी और किस तरह की डिटेल फिल करनी होगी जब नया हमें एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन यहाँ पर चलाना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा न्यू कैंपेन ग्रुप जो हमने क्रिएट करा था, जो डेमो के हिसाब से जो एक्टिव बता रहा है, स्पेंड और इंप्रेशन, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सभी चीजें पूरी ब्लैंक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए हम क्रिएट पर टैप करेंगे और यहाँ पर हमें एक नहीं, हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है कैंपेन का, सेकंड मिलता है कैंपेन ग्रुप का और थर्ड मिलता है अकाउंट का। तो जैसे कि अगर हम कैंपेन में बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक कैंपेन ग्रुप का अकाउंट क्रिएट हो और सही तरीके से एडवर्टाइजिंग हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैंपेन ग्रुप में आप 5000 तक इजीली तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कैंपेन ग्रुप में करा तो यहाँ पे बोला गया कैंपेन ग्रुप बेस्ड ऑन हुज इम्पोर्टेंट टू यू, यानी कि कैंपेन ग्रुप में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपका प्रोजेक्ट, लोकेशन, बजट, सो यू कैन बी मोर ऑर्गेनाइज्ड और आप उसे ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑप्शनली कहा जाता है कि ग्रुप बजट जो होती है वो शेड्यूल करा जाता है और बजट को रिड्यूस किया जाता है, बस शेड्यूल के हिसाब से आप इजी तरीके से चीजों को कर सकते हो। तो जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया हमारा कैंपेन ग्रुप को और हमारा हमें एक कैंपेन ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका पहले से कैंपेन ग्रुप बना हुआ तो इजी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो और नहीं बना तो आप क्रिएट ए न्यू ग्रुप करोगे। इजीली तरीके से आपको कुछ डिटेलिंग फिल करनी होगी जैसे नेम और आपको स्टेटस किस प्रकार का डालना है। तो चलिए इसे डेमो में आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है क्रिएट अ कैंपेन
कैंपेन ग्रुप, हम नया ग्रुप अकाउंट बनाना चाहते हैं या न्यू कैंपेन बनाना चाहते हैं अपने इस कैंपेन ग्रुप के अंदर ही, तो हम यहाँ पे बोला गया वन और मोर कैंपेन, यानी कि एक कैंपेन में आप एक से ज्यादा कैंपेन लगा सकते हो और ग्रुप या कैंपेन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट लोकेशन और बजट पर लगा रहे हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नेमिंग यहाँ पे शो कर दूँ ताकि मुझे इजीली तरह से समझ में आए कि मैंने कौन सा कैंपेन यहाँ पर लगाया है। तो चलिए एज ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इजीली तरह से डेमो एड्स के नाम से मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मैं चाहता हूँ कि इसका स्टेटस ड्राफ्ट में हो या एक्टिव में, तो मैं चाहता हूँ इसका स्टेटस जो है एक्टिव तरीके से हो, क्योंकि अभी हमने बात कही थी कि कैंपेन मेजर को हम दो से तीन तरीके से रख सकते हैं, तो हम इसे ड्राफ्ट और एक्टिव में भी रख सकते हैं। एक्टिव में इजली तरीके से एक्टिव बताता है, ड्राफ्ट में वो सभी चीजें स्टोर हो जाती है ड्राफ्ट में। देन इसी के साथ बजट एंड शेड्यूल की बात की जा रही, तो यहाँ पर हम कोई भी नया अकाउंट या कैंपेन अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सभी की सेम प्रोसेस होती है, चाहे न्यू अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो किसी ग्रुप में या फिर किसी कैंपेन ग्रुप के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये नेम डालना होगा, स्टेटस डालना होगा। देन इसके बाद आपको बजट एंड शेड्यूलिंग फिल करना होगा कि आपका बजट किस प्रकार का है, किस प्रकार से आप चाहते हो कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग वो कंटिन्यूसली चलती रहे आपकी स्टार्ट डेट से लेके, तो आप यहाँ पे अपने स्टार्ट डेट को चूज कर सकते हो इजिली तरीके से, जैसे मैं 30 डेज यहाँ पे लगा देता हूँ। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट डेट मैं लगा दी बट एंड डेट भी लगाना चाहता हूँ, तो इजिली तरीके से मैं एंड डेट भी लगा सकता हूं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि क्या चीजें हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। देन इसके बाद एक और चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोला गया सेट अ स्टार्ट एंड एंड विद अ बजट। बहुत से लोग जाते हैं या बहुत से कंपनीज के लोग जाते हैं, एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि उनकी जो बजटिंग चल रही है वो उनके बजट के हिसाब से हो, एडवर्टाइजिंग जो उनकी चल रही है वो बजटिंग के हिसाब से जो स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट तक हो, तो अपना टोटल बजट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा एडवर्टाइजिंग करने का टोटल बजट इतना है। जैसे कि मैं एज ए सिंपल भी मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने INR कर रखा है, यानी कि मैंने इंडियन रुपीज के हिसाब से कर रखा, आप अपनी कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे करेंसीज को चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे बजट की बात आई तो मैं यहाँ पे 5000 लिख देता हूँ, मैंने अपना टोटल बजट लिख दिया 5000 रुपीज। देन इसके बाद मैंने शेड्यूल भी लगा दिया एंड डेट तक, और ये शेड्यूल यानी मेरे बजट के हिसाब से एडवर्टाइजिंग होगी। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे टैप करूंगा और मेरा न्यू कैंपेन ग्रुप में एक नया अकाउंट कैंपेन ग्रुप जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कुछ प्रोसेस होने के बाद आप देख पाओगे सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, और ये सेविंग के में हम इजीली तरीके से अपने अकाउंट को पूरी तरह से सेव कर लेते हैं और क्रिएट अकाउंट बना लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पाओगे हमारा ये डेमो एड्स के नाम से हमने बना लिया, हमारा बजट हमने यहाँ शो कर लिया है, और जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है यू चूज अ कैंपेन ग्रुप विद फ्यूचर स्टार्ट डेट, द कैंपेन यू आर क्रिएटिंग नाउ यू नॉट अंटिल एटलीस्ट 30/12, यानी कि इसमें बोला गया कि आप जो डेट की स्टार्ट कर रहे हो उस तारीख में ही ये स्टार्ट होगा, बट ये अभी के हिसाब से अभी कैंपेन जो है स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो डेट फिक्स करी उसी डेट पर ही हमारी एडवर्टाइजिंग यहाँ पर स्टार्ट होने लगेगी। देन इसी के बाद चलिए हम इसे नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे कि हम नेक्स्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप किसी कैंपेन में अगर अपनी एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हर एक कैंपेन ग्रुप में आप इजीली तरीके से डिफरेंट अपनी एडवर्टाइजिंग चूज कर सकते हो, और उसमें आपको कुछ ही सिंपल वे की चीजें जो होती हैं जरूरत होती हैं। तो जैसे कि मैंने डेमो एड्स लिखा था, मैं अपने अनटाइटल कैंपेन को यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो कैंपेन, इजिली तरीके से मुझे समझ में आए कि जो मैंने अभी कैंपेन क्रिएट करा था वो किस तरह से यहाँ पे चीजें शो हो रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो कैंपेन, तो मुझे इजिली तरीके से पता चल गया कि मैंने अपना जो कैंपेन ग्रुप बनाया था डेमो कैंपेन, और उसी में मैंने एक कैंपेन क्रिएट किया था न्यू अकाउंट जिसका नाम था डेमो एड्स। देन इसी के साथ फिर हमारा जो कैंपेन है वो पूरी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव से लेके हर एक चीज यहाँ पे दिखने लगती है, और देन इजीली तरीके से हमने अपना सिलेक्ट कर लिया हमारा कैंपेन ग्रुप को, क्योंकि ये लिंक्डइन जो है लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें इजीली तरीके से बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं। देन इसी के साथ हमें ये सभी प्रोसेस करनी होती है। तो हम इस तरह से आप चाहें तो हम डिफरेंट ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, बट हमने जो कैंपेन ग्रुप बना लिया हम दूसरे ग्रुप में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ऐसे हम उसे डुप्लीकेट करके हम इजीली तरीके से लगा सकते हैं। इसी के साथ फिर हमारी भी प्रोसेस होती है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में बात करी थी सिलेक्ट कैंपेन ग्रुप, हमने यहाँ पे अपना कैंपेन ग्रुप सिलेक्ट किया था। सेकंड स्टेप में हमने हमारा सेटअप कर लिया कैंपेन को, हमने न्यू डेमो कैंपेन के यहाँ पे बना लिया था। देन इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन आता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड अवेयरनेस से लेके कन्वर्सेशन से लेके लीड जनरेट करने से लेके हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, सिलेक्ट करेंगे। देन ऑडियंस यानी डेमोग्राफिक्स किस प्रकार की है, एड फॉर्मेट हम कौन सा लगाना चाह रहे हैं, वीडियो टेक्स्ट या एड टेक्स्ट में या फिर इमेजेस या फिर क्राउजल एड्स में, ये सभी चीजें हमारे फॉर्मेट पे निर्भर करती है। देन प्लेसमेंट किस एरिया किस लोकेशन पर
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बजट एंड शेड्यूलिंग हम फिर करेंगे। दिन के बाद हम कन्वर्सेशन ट्रैकिंग करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो हम इजीली तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है सेटअप अपडेट्स, यानी कि हम इजीली तरीके से सेटअप कर सकते हैं हमारे एड्स को, और फिफ्थ स्टेप में हम रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो हम कैंपेन में इजीली तरीके से अपनी एडवर्टाइजिंग को क्रिएट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम वापिस चलते हैं बैक और भी चीजें जानते हैं, जैसे कि अभी हमने अपना क्रिएट में यहाँ पर देखा था कैंपेन के बारे में, हमने कैंपेन ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया था और आप देख पाओगे टोटल हमारे कैंपेन ग्रुप दो बन चुके हैं। अब इसके बाद जैसे कि हमने कैंपेन पे टाइप किया था, हम कैंपेन ग्रुप में चलते हैं। तो कैंपेन ग्रुप क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कैंपेन ग्रुप में हम इजिली तरीके से यहाँ पे बोला गया एक से ज्यादा आप कैंपेन लगा सकते हैं एक ग्रुप में। देन इसके बाद जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के लिए किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, लोकेशन पर काम कर रहे हो या बजट के हिसाब से एडवर्टाइजिंग चला रहे हो, तो इजिली तरीके से ये सभी चीजें जो होती है सभी में सेम प्रोसेस होती है जिनका आप इजिली तरीके से यूज कर पाओगे। देन इसी के साथ चलिए हम बैक करते हैं और भी चीजें जानते हैं, जैसे क्रेडिट में हम देख पाएंगे तो अकाउंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इजिली तरीके से हम चाहते हैं कि नया कैंपेन बनाना चाहते हैं, अपने अकाउंट को चेंजेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरे अकाउंट में कैंपेन क्रिएट करें या न्यू ग्रुप बनाए, तो हम इजिली तरीके से हमारे अकाउंट को हटाना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये कैंपेन का जो अकाउंट लिखा हुआ ललित सेट्स अकाउंट लिखा हुआ है। देन यहाँ पे हमने करेंसी चेंज नहीं करी, तो हम यहाँ पे करेंसी चेंज कर लेते हैं इंडियन रुपीज INR, ताकि हमें एडवर्टाइजिंग करेंसी रिलेटेड कोई भी इंडियन रुपीज या करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कुछ पेज हमारे साथ एसोसिएट है तो ऑप्शनल होती है, आप इसी तरह से URL लिंक लगा सकते हो। देन इसके बाद ये सभी चीजें प्रोसेस को फिल करने के बाद आप सेव कर लेते हो, तो हमारा कैंपेन मैनेजर एड अकाउंट जो है पूरी तरह से दिखने लगता है। और इस तरह से हम अपने अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और एक से ज्यादा दो अकाउंट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने पेजेस हैं, क्योंकि आप अपने एक ही लिंक्डइन अकाउंट से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना के एडवर्टाइजिंग तो कर सकते हो, तो इस तरह की चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा जो कैंपेन, हमने फिल्टर आउट लगा सकते हैं, हम चाहे फिल्टर आउट लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे कैंपेन या हमने जो एडवर्टाइजिंग चलाई इसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, किस प्रकार से हमारा एडवर्टाइजिंग डिलीवर हुआ, एंगेजमेंट हुआ है, किस प्रकार से कन्वर्सेशन लीड आई है, स्पॉन्सर मैसेजिंग कितने हुए, वीडियोस, बजट एंड बिड, टैलेंट लीड कितनी आई है, जॉब एप्लीकेंट कितनी आई, डॉक्यूमेंट कितने आई, ये सभी चीजें हम कस्टमाइज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस टाइप के हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। ब्रेकडाउन से लेकर ऑन ऑफ नेटवर्क, क्राउजर, ये सभी चीजें हम देख सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से हम चीजों को समझ सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। देन इसी तरीके से सभी चीजें हमारे कैंपेन ग्रुप मैनेजर हमें शो करवाता है और ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज होती है, फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिलती है। देन इसी के साथ परफॉर्मेंस चार्ट को हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस चार्ट हमें किस प्रकार से हमें चीजों को देखने के हिसाब से नजरिए को बताता है कि हमारी एडवर्टाइजिंग कितनी क्लिक्स हुई है, किस प्रकार से परफॉर्मेंस हमारी एग्रीगेट हुई है और किस तरह से हमारी एडवर्टाइजिंग बढ़ी है। तो ऐसे डेमो अभी हमने यहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं चलाई, तो यहाँ पे अभी सभी चीज आपको नॉर्मल दिख रही होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते हैं। देन इसी के साथ ही हम यहाँ पे डेमोग्राफिक्स को समझ सकते हैं, किसकी डेमोग्राफिक्स पर, किस लोकेशन पर, किस फंक्शन पर हमने यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करा है, किस प्रकार की टारगेट ऑडियंस हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है। देन इसी के साथ हम एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं और रिपोर्ट टाइप, यानी हम एक्सपोर्ट चाहे तो कंपेन की परफॉर्मेंस लेके एड परफॉर्मेंस, ये सभी चीजें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे CSV रिपोर्ट के लिए। तो ये सभी चीजें हम कैंपेन ग्रुप मैनेजर्स में हमें इस चीजें देखने को मिलती है। देन इसी के साथ हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैंपेन मैनेजर में और भी क्या क्या चीजें होती है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने अकाउंट के बारे में बात करी कि हमें अपना खुद का एक अकाउंट होना चाहिए लिंक्डइन पर, तभी जाके हम बड़ी तरह से एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे। अकाउंट के साथ साथ अपना खुद का एक पेज भी होना चाहिए जो हमने डिजिटल TMD के नाम से रखा है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे समझते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं, तो जैसे कि हम इसे क्लोज करते हैं और हम देख पाएंगे यहाँ पे प्लान है, अगर आप चाहते हो किस प्रकार से अपने ऑडियंस को प्लान करना है या ब्रांड की सेफ्टी किस प्रकार से रखनी है, जैसे एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने बात करी, फिर इसके बाद टेस्टिंग, एनालिसिस, एसेट्स, ये सभी चीजें एज ए कम्प्लीटली अकाउंट की सेटिंग, कंपनी पेज, और ये सभी चीजें हम इजिली तरीके से कैंपेन मैनेजर में शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड हर एक चीज को एडिट करके पूरी डिटेलिंग के साथ एक बढ़िया तरीके से कैंपेन को चला सकते हैं। आई होप कि आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगी कैंपेन ग्रुप होता है क्या है लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग में। देन इसी के साथ ये किस तरह से काम करता है और कैसे हम एक ग्रुप में कम्प्लीटली नया कैंपेन बना सकते हैं, आई होप कि आप इसे जरूर प्रैक्टिकली करके देखोगे। बीस थैंक यू सो मच।